हेलो फ्रेंड्स, बिहार में पंचायती राज विभाग की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिहार में वैकेंसी आई हुई है दो पोस्ट पर, जो कि बहुत सारे पोस्ट है इसमें और बहुत ही अच्छी अच्छी सैलरी है इसमें। दोस्तों, ये आज से ही 12 बजे से इसका लिंक मिल जाएगा आपको, इसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सी पोस्ट है, कितने पोस्ट है, कितनी सैलरी है और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को, ताकि बिहार झारखंड की कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और टेक न्यूज़ की जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ईशान और स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर बिहार का जो है पंचायती राज विभाग का जो लिंक है, मैंने ये खोला हुआ है। इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पेज को खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका नोटिफिकेशन क्या है। आगे मैं सर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस पेज के नीचे में स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको लिखा हुआ आएगा, संविदा पर लेखापाल सह IT सहायक एवं तकनीकी सहायक के नियुक्ति के संबंध में सूचना न्यू। देखिए, ये यहाँ लिंक दिया हुआ है, आपको इसको क्लिक करना है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। चलिए, इसे मैंने क्लिक किया, मेरे सामने एक पेज खुला। देखिए उसमें क्या क्या दिखा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, आवेदन की प्रक्रिया 28 अगस्त यानी आज 18/2018 को 12 बजे मध्याह्न से शुरू होगी, यानी आज 12 बजे से लिंक आपको मिल जाएगा। आप आसानी से वहाँ ऑनलाइन भर सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको सर चीज़ का जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है जिलावार आरक्षण कोटेवार रिक्ति की विवरणी। देखिए, पहला है तकनीकी सहायक का है, दूसरा लेखापाल सह IT सहायक का है। चलिए हम देख लेते हैं इसको एक एक करके। ये जो है टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि हिंदी में कहते हैं इसको तकनीकी सहायक। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जिला का नाम, अनरिजर्व SC EBC ST महिला, कुल जितना है आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, कुल जो है पद कितना है, 20,096 यानी 2,096 पद है। इस तरह से कोटिवार किया गया है, कौन कौन यहाँ पर है। देखिए, तिरहुत है, सारण है, पटना है, दरभंगा है, मुंगेर है, भागलपुर है, कोसी है, पूर्णिया है। इस तरह से जितने भी पंचायत है बिहार में, सभी के लिए ये निकला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक पोस्ट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर लेखापाल सह IT सहायक, देखिए इसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ पर पेज पर आके आसानी से यहाँ पर अपना विवरणी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए विज्ञापन 1112 है, दोनों एक ही है, मैं देख लिया है पहले से, आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ दिखा रहा है। देखिए, ये यहाँ पर दिखाया गया है कितने कितने सैलरी है। देखिए, जो आपको तकनीकी सहायक है दोस्तों, उसके लिए आपको 296 सीट है, और जो पर मंथ है वो आपको 27,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसमें क्या होना चाहिए, आपको मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी आपको जो है डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और दूसरा जो है लेखापाल सह IT सहायक के लिए भी सेम सीट है, क्योंकि उतना ही पंचायत है, उसकी सैलरी जो है 20,000 है पर मंथ। इसमें आपको BCom होना अनिवार्य है, और अगर MCom और CA करने वाले अभ्यर्थी हैं, अगर किए हुए हैं, तो आपको 20 अंक बोनस दिया जाएगा। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है दोस्तों, उसके लिए जो MCom किए हुए हैं, जो CA किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अनरिजर्व है पुरुष, उनके लिए 37 वर्ष है यानी 37 वर्ष है। जो पिछड़ा वर्ग है पुरुष महिला, उसके लिए 40 वर्ष है। और जो अनारक्षित में महिला है, उसके लिए 40 वर्ष है। और जो SC ST है, उसके लिए 42 वर्ष है। आवेदक के द्वारा किसी एक जिले में ही आवेदन किया जा सकता है ना, कि आप चाहे कि दो जिले में करेंगे तो ऐसा नहीं कर सकते, आप एक ही जिले में करना पड़ेगा आपको। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अर्हता रखते हो, तो दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। यानी आप, अगर आपके पास दोनों डिग्री है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा है पॉइंट, आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा मौका है बिहार के लोगों के लिए, इसको आराम से दोस्तों भरिए आप लोग। और ऑनलाइन आज से लिंक चालू हो जाएगा, वहाँ से जरूर भरिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, पूछिए। देखिए, ये लेटर है पंचायती राज विभाग का, इसमें भी सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको सबको पढ़िए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो
अच्छा लगा होगा और अच्छी जानकारी मिली होगी। दोस्तों को इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे ऑनलाइन भर सके, और पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।